एक समय की बात है, एक बहुत ही क्रूर राक्षस था। वो बहुत खतरनाक था और उसमें जानवरों का रूप लेने की शक्तियाँ भी थीं। वो खूंखार जानवरों में बदल जाता और अपने खाने के लिए आसपास के गांव के लोगों का शिकार करता। उस गांव के लोग अपनी जान की खातिर डरते थे। वो कहाँ रहता है किसी को नहीं पता था, और वो कहाँ से आता है ये भी सिर्फ एक बिल्ले को पता था, जिसका नाम पुस था। उसी गांव के एक चक्की वाले का वो बहुत ही प्यारा पालतू बिल्ला था। चक्की वाले के तीन बेटे थे। दो बेटे बहुत ही आलसी थे और मेहनत के सारे काम छोटे पर छोड़ देते। जब उनके पिता मरे तो उनकी सारी जायदाद उनके बेटों में बट गई। चक्की बड़े बेटे के लिए, गधा मंझले बेटे के लिए, और छोटे बेटे के लिए प्यारा बिल्ला पुस छोड़ा था। बड़े बेटों ने छोटे को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो बड़ा दुखी था। उसने कहा, अरे रे, ये बिल्ला मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इतना गरीब हूँ कि इसे कुछ खिला भी नहीं सकता। जब वो बैठकर सोच रहा था कि अब रोजी रोटी कैसे कमाई जाए, इतने में पुस उछला और उसने कहा, चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपकी रोजी रोटी का इंतजाम करता हूँ। चक्की वाले के बेटे को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आंखें मलकर आश्चर्य से कहा, तुम बात कर सकते हो? आपके पिताजी ने मुझे आपके पास इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं और भी काम कर सकता हूँ। अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करें तो? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए एक टोपी, जूतों की जोड़ी और बड़ी थैली खरीदिए, बाकी सब मुझ पे छोड़िए। चक्की वाले के बेटे ने अपने पास जो बचे पैसे थे वो खर्च करके उसके लिए एक बढ़िया सी टोपी खरीदी, जिस पर एक पर लगा हुआ था, भूरे रंग के जूतों की जोड़ी और एक बड़ी सी थैली। और फिर बिल्ले ने जूतों की जोड़ी पहनी, अपनी टोपी पहनी और फिर थैला लेकर चल पड़ा जंगल की ओर। ऐसा बिल्ला कभी नहीं दिखता, इसलिए चक्की वाले के बेटे ने उसे जूतों में पुस का नाम दे दिया। उसने जंगल जाने के रास्ते में खेत से कुछ गाजर उठाए और उन्हें अपनी थैली में रख लिए। चक्की से कुछ दूरी पर एक खरगोशों का बिल था। उसने अपनी थैली खोलकर वहाँ नीचे रख दी और फिर वो झोपड़ियों में जाकर छुप गया। जैसे ही भुक्कड़ खरगोशों ने ताजी गाजर सूंघी, वो उन्हें खाने के लिए थैली में घुस गए। उसने झपट कर थैली बंद कर दी और उसे बांध दी। एक मोटे खरगोश से भरी थैली अपने कंधे पर लेकर पुस चल रहा था और फिर वो राजा के महल तक पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, मेरे महाराज, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, मेरे मालिक कारावास के राजकुमार के खेत से। अपनी थैली से बड़ा सा खरगोश निकालकर वो बोला, मेरे मालिक ने आपके लिए खरगोश भेजा है और आपको नमस्ते कहा है। राजा ने तोहफा कबूल किया। इसी तरह दिन बीतते गए और जूतों में पुस राजा के महल तक पहुंचा। खरगोश, तीतर और टर्की वगैरह लेकर ये सब वो कारावास के राजकुमार के नाम पर ले जाता। आखिरकार राजा ने पुस से कहा, अपने मालिक से कहो कि उसके तोहफे पाकर मैं खुश हो गया। एक दिन पुस ने महल में सुना कि राजा और राजकुमारी नदी के तट पर जाने वाले हैं। वो अपने मालिक की ओर तुरंत दौड़ा और उसने अपने राजा से मिलने के बारे में उसे बताया और फिर उसने कहा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपकी तकदीर बन जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप नदी में जाकर तैरें। अगर आपसे कोई आपका नाम पूछे तो आपको कहना होगा आप कारावास के राजकुमार हैं, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। बिल्ले के मुताबिक चक्की वाले के बेटे ने वैसा ही किया और जब वो पानी में था तब पुस ने उसके कपड़े उठाए और झाड़ियों में छुपा दिए। जैसे ही राजा की बग्गी आई, पुस उसकी ओर चिल्लाते हुए दौड़ा, मदद करो, मदद करो, मदद करो मेरे मालिक की, कारावास के राजकुमार की। आवाज सुनकर राजा ने बग्गी रुकवाई और उसने पूछा कि माजरा क्या है। राजा को प्रणाम कर उसने कहा, मेरे महाराज, मेरे मालिक नहा रहे थे और उनके कपड़े किसी ने चुरा लिए। उनका शरीर अकड़ जाएगा और वो डूब जाएंगे।
राजा ने सेवकों को महल वापस जाकर राजकुमार के लिए अच्छे कपड़े लाने का आदेश दिया। जब चक्की वाले के बेटे ने शाही कपड़े पहने तो वो राजकुमार की तरह दिखने लगा। ये है मेरे मालिक महाराज, कारावास के राजकुमार। उसने बड़े अभिमान से चक्की वाले के बेटे को राजा और राजकुमारी से मिलवाया। चक्की वाले का बेटा भले ही गरीब था, लेकिन वो राजकुमार की तरह सुंदर और होशियार भी दिखता था, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। राजा ने उसे अपनी बग्गी में बैठने के लिए कहा और कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा। उसने बग्गी चलाने वाले को कहाँ जाना है ये बता दिया और वो बग्गी के आगे दौड़ने लगा। जाते समय उस कुछ किसानों से मिला, उसने उन्हें चेतावनी दी। अगर राजा ने पूछा कि ये खेत किसके हैं, तो ये कहना होगा कि ये खेत कारावास के राजकुमार के हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो राजा के लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो किसान बहुत डर गए थे, उन्होंने बिल्ली की बात मान ली। उसने रास्ते में मिलने वाले सबको ये चेतावनी दे दी। थोड़ी देर बाद वहाँ से गुजरने वाले राजा ने जानकारी निकालनी चाही और उन्होंने पूछा, मुझे बताओ ये खेत किसके हैं? इस पर किसानों ने जवाब दिया, कारावास के राजकुमार के। राजा बहुत खुश हुआ, उसने चक्की वाले के बेटे की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी जायदाद बहुत अच्छी है। आगे दौड़ते हुए होशियार बिल्ला बड़े किले के पास पहुँचा, जहाँ वो राक्षस रहता था। वो डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उस किले में घुस गया और कहा, ओ महान राक्षस, मैं आपकी शक्तियों का प्रशंसक हूँ। ये सुनकर राक्षस खुश हो गया और फिर उसने कहा, माफ कीजिए, क्या मैं आपको रूप बदलते हुए देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, राक्षस ने गर्व से जवाब दिया। पल भर में राक्षस ने खुद को शेर के रूप में बदला और जोर से दहाड़ा। वाह, क्या बात है, आप तो बिल्कुल शेर जितने बड़े बन गए। लेकिन क्या आप चूहे जैसे छोटे जानवर भी बन सकते हैं? उसने हिम्मत से राक्षस से पूछा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गर्व से राक्षस ने कहा और उसने खुद को चूहे में बदल दिया। उसने चूहे पर झपट्टा मारा और उसने तुरंत उस चूहे को निगल लिया। बिल्कुल उसी समय राजा की बग्घी राक्षस के किले पर आकर रुक गई। पुस बाहर आया और प्रणाम करते हुए उसने कहा, कारावास के राजकुमार के किले में आपका स्वागत है महाराज। राजा, राजकुमारी और चक्की वाले का बेटा उसके साथ किले के अंदर चले गए और बड़ी सी दावत के लिए बैठ गए। राजा चक्की वाले के बेटे से बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करवाऊंगा। चक्की वाले के बेटे की तरफ मुड़े और बोले, मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरे महाराज, इतनी सुंदर राजकुमारी से शादी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जल्द ही चक्की वाले का बेटा और राजकुमारी की शादी हो गई और वो किले में खुशी से रहने लगे। जोता में पुस बड़ा जमींदार बन गया और अपनी बाकी की जिंदगी के लिए आराम से रहने लगा और फिर उसने चूहों का पीछा कभी नहीं किया। एक समय की बात है, एक बच्ची जिसने लाल रंग की कंटोप पहनी थी अपनी बूढ़ी दादी के लिए स्वादिष्ट भोजन ले जा रही थी। उसे अपने कंटोप से इतना प्यार था कि वो हमेशा पहनती, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाल कंटोप वाली छुटकी। ला 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 ला। जंगल में फूलों, पंछियों और तितलियों को देखकर खुश होते हुए गुनगुनाते हुए वो जंगल के रास्ते अपनी दादी के घर की तरफ बढ़ रही थी। एक खास जगह बड़े ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले देखकर उसका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ और वो सोचने लगी, दादी के लिए शरबत, केक और रोटियां तो ली है, अगर ये सुंदर सुंदर फूल भी ले लूं तो दादी और खुश हो जाएगी। लेकिन मम्मी ने कहा था सीधे दादी के घर जाना, रास्ते से यहाँ वहाँ मत भटकना और ना किसी से बात करना। लेकिन फूल तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपनी माँ के सिख को नजरअंदाज करते हुए वो फूलों की डाल के पास पहुँची और फूल चुनने लगी। फूल चुनते चुनते उसकी नजर घने जंगल में फले पके पके बेर पर पड़ी। बेर देखकर उसके मुँह में पानी आ गया। ओह,
मुझे तो भूख लग रही है, अगर मैं थोड़ी सी बेर खा लूं तो मम्मी को बुरा नहीं लगेगा, है ना? उसका चेहरा खेल उठा और वो फिर से बुदबुदाती है। इनमें से कुछ बेर दादी के लिए भी ले लेती हूँ। हाँ, दादी खुशी से झूमने लगेंगी। और फिर लाल कंटोप वाली छुटकी घनघोर जंगलों के बीच पहुँच कर बेर तोड़ने लगी। अचानक उसके पीछे की झाड़ियों में से कुछ हलचल होती है और देखते ही देखते एक विशाल और खतरनाक भेड़िया उसके बिल्कुल सामने आ गया। भेड़िए को देखकर लाल कंटोप वाली छुटकी बहुत डर गई। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो छोटी लड़की? भेड़िए ने प्यार भरे बनावटी लहजे में पूछा। अपनी दादी माँ से मिलने जा रही हूँ। उनका घर जंगल के उस पार नदी के किनारे है। वो वहाँ अकेली रहती है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। छुटकी ने बड़ी मासूमियत से कहा। अब मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं हूँ लाल कंटोप वाली छुटकी। तब मैं जल्दी जाकर तुम्हारी दादी को बताता हूँ कि तुम उनसे मिलने आ रही हो। तब तक तुम आराम से जितनी चाहो उतनी बेरिया तोड़ो। भेड़िया बड़ी चालाकी से बोला। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भेड़िया महोदय। आप दादी को ये भी बताइएगा कि मैं उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी ला रही हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी। भेड़िया सोचने लगा। आज का दिन अच्छा जाएगा। सबसे पहले मैं बूढ़ी दादी को निगल लूंगा जिससे मेरी भूख मिट जाएगी, फिर वो छोटी लड़की मिठाई की तरह। और फिर भेड़िया बड़ी तेजी से दादी माँ के घर की तरफ दौड़ पड़ा। और यहाँ लाल कंटोप वाली लड़की ज्यादा से ज्यादा पेड़ तोड़ने के लालच में अपनी राह भटक गई थी। लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ, अब मैं दादी के पास कैसे जाऊँ, अपने घर किस तरह वापस लौटूं? छुटकी उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माँ के चेतावनी का ध्यान रखना चाहिए था। उसके रोने की आवाज पास से गुजर रहे एक शिकारी को सुनाई दी और वो शिकारी आवाज की तरफ बढ़ता हुआ छुटकी के पास पहुंच गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो छोटी बच्ची? मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रही थी। वो जंगल के उस पार नदी किनारे रहती हैं, लेकिन मैं रास्ता भटक गई। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवर भी हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर तक सुरक्षित पहुँचाता हूँ। भयानक जंगली जानवर, पर वो तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी मुलाकात भी हुई थी भेड़िया महोदय से। वो शातिर भेड़िया, मैं उसे काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो? वो मेरी दादी को सूचना देने गए हैं कि मैं उनके लिए स्वादिष्ट पकवान लेकर आ रही हूँ और बहुत जल्द उनके पास पहुँचने वाली हूँ। अरे भोली बच्ची, हमें जल्द ही तुम्हारी दादी के घर पहुँचना चाहिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लाल कंटोप वाली छुटकी को समझ में आ गया कि उसने एक चालाक भेड़िए को सब कुछ बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो शिकारी के साथ जल्दी जल्दी अपनी दादी के घर की तरफ चल पड़ी क्योंकि उसे दादी की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। और बहुत जल्द दोनों दादी के घर के सामने पहुंच गए। छुटकी ने घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। कौन है? दादी, मैं हूँ लाल कंटोप वाली छुटकी, आपसे मिलने आई हूँ। आपके लिए खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट सामान भी लाई हूँ। अरे मेरी बच्ची, चल अंदर आ जा, दरवाजा खुला ही है। इतने में शिकारी ने कहा। तुम जाकर अपनी दादी से मिलो, तब तक मैं भेड़िए से घर की सुरक्षा करता हूँ। लाल कंटोप वाली छुटकी घर के अंदर चली गई और वहाँ उसने दादी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, लेकिन वास्तव में तो वो भेड़िया था जिसने दादी को निगल लिया था और दादी के वेश में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपनी दादी का ये रूप रंग अजीब और बिल्कुल बदला हुआ देखकर छुटकी ने उससे पूछा। दादी, आपकी आँखें इतनी बड़ी कैसे हो गयी? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं मेरी बच्ची। और आपके कान इतने बड़े क्यों हो गए दादी? ताकि मैं तुम्हारी बातें अच्छे से सुन सकूं। और आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों है? ताकि मैं तुम्हारी सुगंध अच्छे से सुन सकूं बच्ची। छुटकी की नज़र बड़े बड़े नुकीले दांतों पर पड़ी और उसने डर से कांपते हुए पूछा। और आपके दांत इतने नुकीले और बड़े बड़े क्यों हैं? एकाएक वो भेड़िया छुटकी की तरफ छलांग लगाता हुआ बोलता है। ताकि मैं तुम्हें अच्छे से चबा सकूं मेरी मिठाई। छुटकी ने बड़े जोर से चिल्लाया और तुरंत वहाँ शिकारी आ धमका और बड़ी फुर्ती से उस भेड़िए को उसने मार डाला। और फिर वो मरे हुए भेड़िए का पेट चीर कर दादी को भी बचा लिया। लाल कंटोप वाली छुटकी अपनी दादी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और फिर छुटकी शिकारी की तरफ देखते हुए बोली।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आइए हमारे साथ इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। भोजन? वाह, हाँ हाँ जरूर, हाँ क्यों नहीं। सभी हंसने लगे और केक, रोटियाँ, पके बेर और शरबत का आनंद लेने लगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव से कुछ दूरी पर दो बूढ़े पति पत्नी एक झोपड़ी में रहते थे। बूढ़ी औरत स्वादिष्ट भोजन बनाने की कड़ी शौकीन थी और रोज कुछ न कुछ लजीज व्यंजन बनाती थी। एक दिन उसने अपनी पाक कला बुक में जिंजर ब्रेड बनाने की विधि पढ़ी और फिर एक जिंजर ब्रेड बनाने की सोची और जिंजर ब्रेड की तैयारी करते हुए मैदे की लोई से एक आकृति बनाई, एक लड़के की आकृति। वैनिला क्रीम से उसकी आंखें बनाई, स्ट्रॉबेरी क्रीम से होठ बनाए, अनेक रंगों का इस्तेमाल कर उसे कपड़े पहनाए और उसका नाम रखा जिंजरब्रेड लड़का। उसने जिंजरब्रेड लड़के को ओवन में सेकने के लिए डाल दिया और कुछ ही देर बाद उस बुढ़ी औरत ने ओवन के अंदर से एक आवाज सुनी, मुझे बाहर निकालो, कृपया मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे जल्दी निकालो। कोई ऐसा ही कह रहा था। कौन हो सकता है? ये सोचते हुए उसने ओवन का ढक्कन खोला और जैसे ही ओवन का ढक्कन खुला, जिंजरब्रेड लड़का ओवन से बाहर कूदकर भागने लगा। बूढ़े पति पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और जब तक वो कुछ समझ पाते, जिंजरब्रेड लड़का बाहर की तरफ भागता हुआ रोड पर पहुंच गया। वो बूढ़े दंपत्ति भी जिंजरब्रेड के पीछे भागे, दोनों उसे पुकारने लगे, रुको जिंजरब्रेड बच्चे, हम तुम्हें खाना चाहते हैं, रुक जाओ। भागते भागते दोनों का दम फूलने लगा। उन्होंने जिंजरब्रेड लड़के का कुछ दूर तक पीछा किया पर उसे पकड़ ना पाए, उसकी रफ्तार इनसे बहुत तेज थी। कुछ दूर आगे निकलने के बाद जिंजरब्रेड लड़का खेत में खड़ी एक गाय के पास से गुजरा। उस गाय ने उसे आवाज लगाई, रुको छोटे बच्चे, रुको, तुम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। पर वो जिंजरब्रेड लड़का गाय की बात पर ध्यान दिए बगैर दौड़ता रहा। उसने देखा गाय उसका पीछा कर रही है। गाय ने बहुत कोशिश की पर वो उसे पकड़ ना पाई। वो लड़का गाय से भी काफी तेज दौड़ रहा था। जिंजरब्रेड लड़का जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा, रास्ते में उसे एक घोड़ा मिला। मैं भूखा हूँ और तुम स्वादिष्ट हो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, रुको। ये कहते हुए वो घोड़ा जिंजरब्रेड के पीछे भागने लगा। जैसे ही जिंजरब्रेड लड़के ने घोड़े को अपने पीछे दौड़ता देखा, वो और तेज दौड़ने लगा। घोड़ा किसी भी कीमत पर जिंजरब्रेड लड़के को छोड़ना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ जिंजरब्रेड लड़का खुद को बचाने के लिए पूरा दम लगाकर दौड़ने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि जिंजरब्रेड लड़का सफलतापूर्वक बूढ़े दंपत्ति और गाय की चंगुल से निकल भागा था। उसे पूरा यकीन था कि वो उस घोड़े के हमले से भी खुद को बचा लेगा, क्योंकि आखिरकार उसकी जिंदगी का सवाल था। इसलिए वो भूखे घोड़े से बहुत तेज दौड़ने लगा और देखते ही देखते वो घोड़े की पहुंच से भी बहुत दूर निकल गया। जिंजरब्रेड लड़के को ये भरोसा हो गया कि अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और जैसे ही वो दौड़ता हुआ जंगल से गुजरता है, एक शातिर लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी। ये जिंजरब्रेड बच्चा मजेदार भोजन हो सकता है, लोमड़ी ने सोचा और पुकारा, प्यारे बच्चे जरा रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पर जिंजरब्रेड लड़का जानता था कि इस लोमड़ी को क्या चाहिए, इसलिए वो नहीं रुका बल्कि भागता रहा। अब लोमड़ी ने काफी फुर्ती से उसका पीछा शुरू किया। जिंजरब्रेड लड़का बिना घबराए कुछ गुनगुनाता हुआ भागने लगा। उसकी रफ्तार लोमड़ी से तेज थी पर लोमड़ी ने भी हार नहीं मानी। जीभ लपलपाते हुए उसने भी जिंजरब्रेड लड़के का पीछा करना जारी रखा। वो हर हाल में जिंजरब्रेड लड़के को खाने का मन बना चुकी थी। बहुत जल्द जिंजरब्रेड लड़का नदी के किनारे पहुंच गया पर उसे तैरना नहीं आता था। इतना ही नहीं, उसे ये भी डर था कि अगर वो पानी में गया तो वो पानी में घुल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब मैं क्या करूं? नदी किनारे एक चट्टान पर खड़ा वो उधेड़ बुन में लगा रहा और इतने में लोमड़ी भी नदी किनारे आ गई
और उसने बच्चे की समस्या का फायदा उठाने की सोची। वो बच्चे के पास आकर बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगी। मुझे तैरना आता है, तुम बस कूद कर मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। लोमड़ी बड़ी मासूमियत से बोली। जिंजरब्रेड लड़का चालाक लोमड़ी की बातों में आ गया और वो कूद कर लोमड़ी की पूंछ पर बैठ गया। लोमड़ी जैसे ही बीच मझधार में पहुंची, उसने कहा, मैं तुम्हें पूंछ पर और ज्यादा देर नहीं उठा सकती, मेरी पीठ पर आ जाओ, सही सलामत बचे रहोगे। जिंजरब्रेड लड़के के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा। वो इतना तो जानता था कि लोमड़ी के दिमाग में कुछ गड़बड़ करने की योजना है, पर उसने लोमड़ी को अपना शक जाहिर होने नहीं दिया। तुम्हारा वजन ज्यादा है, मैं तुम्हें पीठ पर नहीं उठा सकती। कुछ और दूर तैरने के बाद लोमड़ी ने बच्चे से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरे सर पर चढ़ जाते। क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। और फिर जिंजरब्रेड लड़का बड़ी सावधानी से लोमड़ी के सर पर कूदता है और कुछ देर बाद लोमड़ी फिर से बोलती है, मेरे लिए आसान हो जाता अगर तुम मेरी नाक पर सवार हो जाते। बहुत जल्द हम दोनों नदी के उस पार होंगे और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो चले जाना। जिंजरब्रेड लड़का लोमड़ी की नाक पर बैठ जाता है और जैसे ही लोमड़ी नदी के दूसरी छोर पर पहुंची, उसने जिंजरब्रेड लड़के को हवा में ऊपर उछाल दिया और झट से मुंह खोलकर आंखें बंद करके उसे निगलने के लिए तैयार बैठ गई। लेकिन उसके मुंह में कुछ नहीं आया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि जिंजरब्रेड लड़का एक पेड़ पर बैठा है और बोलता है, अब अगली बार अपनी किस्मत आजमाना शातिर लोमड़ी, अभी थोड़ी सी धूल भांक लो। बौने और मोची। एक बार एक मोची हुआ करता था जो बहुत मेहनती था और बहुत अच्छे जूते बनाया करता था, लेकिन फिर भी इससे उसका गुजारा नहीं होता था। आखिर में उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके पास बस इतना चमड़ा बचा था कि सिर्फ एक जोड़ी जूते बन सके। उसी शाम उसने वो चमड़ा काटा और अगली सुबह वो जूता बनाने के लिए तैयार था और फिर वो अपनी पत्नी के साथ ऊपर के कमरे में सोने चले गया, लेकिन वो बहुत दुखी था। अगली सुबह वो जागा, भगवान से प्रार्थना की और अपने काम पे वापस चला गया और वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि जूते तो सिल के तैयार हैं। वो बूढ़ा आदमी ये समझ नहीं पाया कि ये आखिर हुआ कैसे। उसने जूते की अच्छे से जांच पड़ताल की और उसने पाया कि जूते बहुत अच्छे से सिले गए हैं। उसी दिन एक ग्राहक दुकान पर आया जूता खरीदने और जब उसने देखा कि जूते बहुत बेहतरीन हैं, तो वो उन्हीं जूतों का दुगना दाम देने के लिए तैयार था। उन पैसों से मोची ने इतना चमड़ा खरीदा कि उससे दो जोड़ी जूते बन सकते थे। उसने फिर से चमड़े को काट दिया और सोने चला गया ताकि वो उन्हें अगली सुबह सिला सके। लेकिन जब वो जागा, उसने देखा कि जूते फिर से सिल के तैयार थे। वो दोनों जोड़ी जूते पहले जूतों से भी अच्छे बने थे और उसी दिन वो दोनों जोड़ी बिक गए और उसके पास इतने पैसे आ गए कि चार जोड़ी जूते सिले जा सके। कई हफ्तों और महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। हर शाम वो चमड़े को काट लेता था, फिर ईश्वर से प्रार्थना करके सोने चला जाता था और हर सुबह वो पाता के जूते अच्छी तरह से सिल के तैयार उसकी टेबल पर रखे हैं। पहले 8 जोड़ी, फिर 20 और फिर इतने कि गिनना मुश्किल हो गया था। उसके पास इतने ग्राहक थे कि अब वो सबसे अच्छी चमड़ी खरीद सकता था और बाकी जरूरत के सामान भी। उसने बूट बनाना शुरू किया सबसे कोमल चमड़ी से, जो कि शिकार करने के लिए बेहतरीन था। उसने वेलवेट, सिल्क और भी कई तरह के जूते बनाना शुरू कर दिया, जो कि जश्न में पहनने के लिए औरतों को बहुत पसंद आते थे। और इतने महीने गुजरने के बाद वो मोची इतना अमीर हो गया था कि अब वो अपने उन मददगारों के नाम कुछ करना चाहता था। एक रात वो और उसकी पत्नी चमड़ी के पीछे छुप कर देखने लगे कि उनकी मदद आखिर करता कौन है। आधी रात को दो नंगे छोटे बौने वहाँ आए
और उन्होंने मोची के सारे जूतों को एक झटके में सिला दिया और फिर वो गायब हो गए। लेकिन मोची और उसकी पत्नी को उनकी गरीबी पे बहुत दुख हुआ। उसकी पत्नी ने उन दोनों के लिए छोटे से प्यारे कपड़े सिले और मोची ने सिल्क की प्यारी जूतियां बनाई। उन दोनों ने तोहफे को टेबल पर रखा और फिर से छुपकर आधी रात को देखने लगे। जब वो बोने फिर से आए और उन्होंने वो तोहफे देखे तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कपड़े पहने और खुशी में झूम झूम कर नाचने लगे और फिर वो वहां से गायब हो गए, कभी ना लौट कर आने के लिए। लेकिन वो मोची कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता रहा और आगे बढ़ता रहा। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्ग की एक परी के पास एक बहुत ही खूबसूरत बतख थी। वो परी अपनी बतख का बहुत ख्याल रखती थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उस बतख ने अंडा दिया तो वो अंडा स्वर्ग से नीचे गिरा सीधे धरती पर। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक छोटी सी बतख बाहर निकली। वो छोटी बतख बड़ी प्यारी थी, बिल्कुल स्वर्ग वाली बतख जैसी। समय गुजरता रहा। पास के ही एक गाँव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। जीवन यापन करने के लिए उसके पास एक खेत था जिसमें वो सब्जियां उगाता और उन्हीं सब्जियों को खाता। उसमें से थोड़ा बेचकर वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन किसान की पत्नी ने उससे कहा, कितना अच्छा होता अगर हम कभी कभार अंडे भी खा सकते। काश हमारे पास एक बतख होती जो रोज अंडे देती। किसान के पास बतख खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन किसान अपने खेत की ढेर सारी सब्जियां लेकर बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिले उससे उसने एक बतख खरीदी। किसान ने उस बतख को घर लाया और उसके लिए एक घोंसला बनाया जिसमें बतख आराम से बैठकर अंडे दे सके। ये बतख जो अंडे देगी उन्हें हम खाएंगे भी और बेचेंगे भी, किसान ने ये सोचा। समय बीतता गया और एक सुबह नाश्ते के लिए किसान अंडे लेने बतख के पास गया और जब उसने देखा कि बतख ने सोने का अंडा दिया है, तब उसने सोचा कि उस बतख का जन्म उसी अंडे से हुआ है जो अंडा स्वर्ग से गिरा था। सोने का अंडा जो मैं देख रहा हूँ, यदि वो सच है तो बहुत जल्दी मैं धनवान हो जाऊंगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ किसान बाजार में पहुंचा और सोने के अंडे को काफी अच्छे दाम में बेच दिया और सोचने लगा अब उसके दुख के दिन खत्म हो गए। मगर बहुत जल्द उसे महसूस हो गया कि इतने पैसों में मनचाहा सुख नहीं मिल सकता। अब वो बेसब्री से दूसरे सोने के अंडे का इंतजार करने लगा। वो बतख का बड़ा ख्याल रखने लगा और बहुत ही जल्द वो दिन भी आया जब बतख ने एक और सोने का अंडा दिया। किसान और उसकी पत्नी अंडे को देखकर बहुत खुश हो गए। किसान तुरंत अंडे को लेकर बाजार गया और उसे भी ऊंचे दाम में बेच दिया और अब तो वो किसान गांव के धनी व्यक्तियों में गिना जाने लगा। समय के साथ साथ किसान और उसकी पत्नी धीरे धीरे धनवान ही धनवान होते गए। मगर जितना भी वो धनी होते गए उतना ही उनके मन में लालच और स्वार्थ भी बढ़ने लगा था। वो दोनों ही जल्द से जल्द संसार के सबसे धनी व्यक्ति बनने का सपना देखने लगे। एक दिन किसान की पत्नी ने उसे अपनी योजना बताई। कितना अच्छा होता अगर सारे सोने के अंडे एक ही बार में मिल जाते। किसान को अपनी पत्नी की ये योजना बहुत पसंद आई, इसलिए दोनों ने बतख को काट कर उसके सारे सोने के अंडे एक ही बार में प्राप्त करने का फैसला कर लिया। लेकिन लालच से कब किसका भला हुआ है। दोनों ने तुरंत एक साथ ही सारे के सारे सोने के अंडे पा लेने के लालच में एक धारदार चाकू उठाकर बतख का पेट फाड़ दिया। लेकिन इस लालच में उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। बतख के पेट में एक भी अंडा नहीं मिला। अब एक भी सोने का अंडा मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई। बेचारी बतख को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और इसके साथ ही किसान और उसकी पत्नी के धनवान होने का रास्ता भी बंद हो गया। इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है।